बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए सीखते हैं कि बग़ैर कैलकुलेटर के टू डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेशली वो नंबर्स जो 100 के करीब है, 100 से कम या 100 से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास टू नंबर्स हो, जैसे कि 95 मल्टीप्लाई बाय 97। इन दो नंबर्स को अगर हम बग़ैर कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसके लिए आसान सा कोई तरीका होना चाहिए जो आज मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि दोनों नंबर्स 100 से कितने कम है। जैसे आप देखें 95 हमारे पास 100 से कितना कम है, ये 5 डिजिट्स कम है, तो आप लिखेंगे माइनस 5। 95 100 से 5 डिजिट्स कम है, और 97 कितना कम है, वो 3 कम है, तो आप लिखेंगे माइनस 3। अब देखिए 95 100 से माइनस 5 कम है और 97 कितना कम है, माइनस 3। ये आपने देखना है। अब आप क्या करें, आप देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड कर ले या इन दोनों को कर ले तो दोनों से सेम आंसर आता है। 97 से 5 माइनस कर ले तो क्या आता है हमारे पास, 92। इसी तरह आप 95 से 3 माइनस कर ले तो भी हमारे पास क्या आता है, 92। तो दोनों से एक ही आंसर आता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसका एक हिस्सा आ गया हमारे पास 92। अब इसका बाकी हिस्सा जो देखना है उसके लिए आप क्या करें, ये जो दोनों नंबर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आता है, 5 3 15। तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर, 95 मल्टीप्लाई बाई 97 से क्या आता है, 9215। ये इसका आंसर हो गया। ये आसान सा तरीका है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं हमारे पास। अब दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 93 मल्टीप्लाई बाय 98। देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 93 हमारे पास 100 से कितना कम है, 7, तो आप लिखेंगे माइनस 7। 98 कितना कम है, माइनस 2। अब आप इसकी क्रॉस एडिशन कर ले तो दोनों से एक ही आंसर आता है, तो आप एक आंसर लिख ले, 98 माइनस 7 से क्या आता है, 91। इसी तरह आप देखिए 93 माइनस 2 से भी हमारे पास 91 ही आता है। तो एक हिस्सा आंसर का ये हो गया। दूसरे हिस्से के लिए इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले, 7 2 14। तो ये हो गया इसका आंसर, 9114। 93 और 98 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9114। अब वो नंबर जो 100 से ज़्यादा है, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो गए 102 मल्टीप्लाई बाई 105। इन दोनों नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपने ये देखना है कि ये 100 से कितने ज़्यादा है। 102 जो है ये हमारे पास टू डिजिट ज़्यादा है, तो आप इसको लिख के, दो नंबर ज़्यादा है, आप इसको इस तरह लिख के प्लस 2, ज़्यादा के लिए आपने प्लस लिखना है, कम के लिए आपने माइनस लिखना है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे प्लस 5। ठीक है, इसको भी आप क्रॉस एडिशन कर ले तो सेम आंसर आता है। देखिए 105 प्लस 2 से क्या आता है हमारे पास, 107। इसी तरह 102 प्लस 5 कर ले तो उससे भी 107 आता है। ठीक है, और दूसरे बाकी हिस्से के लिए आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 10। तो ये हो गया इसका आंसर, 10710। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, अगर दूसरे नंबर हमने ट्राई करने हो, जैसे हो गया मिसाल के तौर पर 112 मल्टीप्लाई बाय 103। इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, आप देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 12, तो आप लिखिए प्लस 12। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे प्लस 3। अब आप इसको क्रॉस ऐड कर ले, 103 प्लस 12 से क्या आता है, 115। ठीक है, और इन दोनों को भी आप ऐड कर ले तो 115 आता है, और बाकी डिजिट्स के लिए आप इनको क्या करें, 12 3 36। तो ये हो गया इसका आंसर, 11536। अब ऐसे डिजिट्स
जिसमें एक डिजिट 100 से ज़्यादा हो, दूसरा कम हो, या एक कम और दूसरा ज़्यादा हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, वो भी सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर हो 94 आप लिख लें, और दूसरा हमारे पास हो 103 कर लें आप, ठीक है। अब देखें ये कितना कम है 100 से, ये 6 कम है, तो कम के लिए आपने लिखना है -6। ये कितना ज़्यादा है, +3। कम के लिए माइनस और ज़्यादा के लिए आपने क्या करना है, प्लस। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आते हैं वो अब हम निकालेंगे, ये कितना कम है वो, ये कितना ज़्यादा है वो, ठीक है। अब देखिए आप इसकी भी क्रॉस एडिशन कर ले इस तरह, तो 103 माइनस 6 से क्या आता है हमारे पास, 97। इसी तरह आप 94 प्लस 3 कर ले उससे भी 97 आता है, या 103 माइनस 6 कर ले उससे भी हमारे पास 97 ही आता है, तो दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। अब जो बाकी डिजिट्स है उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस 6 और प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है इसे हमारे पास, माइनस 6 और प्लस 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 6 3 जा 18, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आते हैं माइनस 18। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, टू डिजिट से यहाँ पे आप इसके लिए जीरोज लगा ले और ये 18 इससे माइनस कर ले। अब इसमें आपने कैरी करना, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, आपने इसको यहाँ पे कैरी करना, ये 9 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 8 कर ले आप 2, 9 माइनस 1 आप कर ले 8, ये रह गया 6 और ये हो गया 9। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 9682। इस तरह आप टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, जो कि एक जैपनीज़ मेथड है, वो उसके लिए एक दूसरी वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपने फिज़िक्स सीखना हो तो आप मेरे चैनल फरहाद फिज़िक्स अकेडमी यूट्यूब पर आप विज़िट कर ले, वहाँ पे आपको 9th 10th FSC की फ़िज़िक्स की लेक्चर्स मिलेंगे। स्पेशली 9th 10th के स्टूडेंट जिनकी आजकल स्कूल्स बंद हैं और वो घर पर फिज़िक्स सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, उसमें आपको 9th 10th की फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल और कोर्स लेक्चर्स मिलेंगे, विज़िट करना ना भूलिएगा। चैनल लिंक ऊपर कैप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।